हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेक सिंघल। इस बार मैं आपके लिए फिर एक अपनी नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। इस बार ही हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा कि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने में बहुत बिजी हैं, बट हम लोगों को पैसा कमाने के साथ साथ उस पैसे को सेव करना या उस पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए। ये बातें मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताई हैं, जो आप मेरी वीडियोज़ आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, आपने दोस्तों सुना होगा, जाना है तो जहान है, लाइफ फर्स्ट थिंग इज़ लाइफ। लाइफ मींस आप सपोज़ कीजिए एक परिवार है, आपके परिवार में 3-4 लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप कीजिए 5 लाख रुपये साल का कमा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली का, और भगवान ना करे आपको कोई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, भगवान ना करे, तो आपकी लाइफ ऐसी ही चलनी चाहिए जैसे आपके होते हुए चल रही है। मींस आपके परिवार को उतनी इनकम जरूर मिलनी चाहिए जो आपके होते हुए मिल रही है। मतलब आप 5 लाख कमा रहे हैं तो तकरीबन 80 लाख का या 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपका टर्म प्लान होना चाहिए, जिससे आपके जाने के बाद वो अमाउंट आपके फैमिली को मिले और वो फैमिली उसी सुख सुविधा के साथ जो आपके होते हुए चल रहा था उसके साथ जिए। दूसरी चीज़, आप कमा भी रहे हैं, आप कुछ जोड़ भी रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आप या आपके परिवार में से कोई बीमार पड़ जाता है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, ऐसा होता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवानी पड़ती है। उस समय क्या होता है, आपकी जितनी जमा पूंजी होती है वो सब पानी की तरह बह जाती है। तो आपने इतनी मेहनत से कमाया भी, उसको जोड़ा भी, बट आप मेडिकली इंश्योर्ड नहीं है तो पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ प्लान लेना भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्रिएटिंग वेल्थ। आप ज़िंदगी में पैसा कमा रहे हैं, आपने अपने आप की लाइफ को इंश्योर भी कर लिया, आपने आपको अपने आप को मेडिकली भी इंश्योर कर लिया, बट अब उस पैसे को जोड़ेंगे कैसे, अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मेरे हिसाब से जो वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं। 1 इज़ इक्विटी फंड, जो प्योर शेयर मार्केट से रिलेटेड है। 2nd इज़ बैलेंस्ड फंड, जो कि इक्विटी और डेट मार्केट से रिलेटेड है। और तीसरा है प्योर डेट फंड। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग इक्विटी फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विटी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल? म्यूचुअल फंड से मतलब ये कलेक्टिव, मतलब पूल ऑफ फंड। आप मान लीजिए, सपोज कीजिए आप 1000 रुपये महीना जोड़ रहे हैं और आपके जैसे कई सारे लोग 1000-1000 रुपये महीना जोड़ रहे हैं, तो ये म्यूचुअल फंड वाले के पास जो मैनेज करते हैं, इन लोगों के पास इकट्ठा पैसा आ जाता है, वो उस पैसे को फिर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस समय भारत के अंदर 40 फंड हाउसेज हैं, मोर देन 40 फंड हाउसेज हैं, जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड हैं। सेबी मींस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में जितने भी शेयर या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम होते हैं, वो संस्था है जो उन सबको रेगुलेट करती है। इसके अंदर शेयर मार्केट के जो फ्लक्चुएशन होती है वो तो जरूर होती है, बाकी अदरवाइज आपका पैसा पूरी तरह सिक्योर्ड है। जो भी NAV शेयर मार्केट के हिसाब से आप लोगों की आती है वो डेली अपडेट हो जाती है और वो ही रिफ्लेक्ट करती है आपके अकाउंट के अंदर। इस हर जो फंड हाउस होता है उसके पास कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं एंड दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं और वो ही बहुत वाइसली आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट आपको दिलवाते हैं। तो ये सिस्टम ऐसा चलता है कि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड के अंदर और उस फंड मैनेजर ने पूल ऑफ फंड बनाया और पूल ऑफ फंड्स बना के उस पैसे को मार्केट के अंदर लगाया और उससे जो भी प्रॉफिट गेन जो भी होता है वो आपकी NAV में आ जाता है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के 2 तरीके हैं मेन। पहला है लमसम। लमसम मींस मनी यू इन्वेस्ट एट 1 go, आपको एक मुश्त में पैसा डालना है, जो कि आपने एक बार ही पैसा लगाया और वो आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। और दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका जो म्यूचुअल फंड से पैसा इन्वेस्ट करने का होता है वो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो होता है जिसके अंदर आप सिस्टमेटिकली हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट को एक फंड के अंदर, मैं इस समय एक ही फंड को लेके बात करूंगा, आप एक से ज़्यादा फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, उस पर कोई आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, बट जैसे एक फंड के अंदर एक पर्टिकुलर डेट को आपने एक पैसा लगाया और आपने सपोज कीजिए 1000 रुपये महीने से 15 तारीख को हर महीने पैसा लगाना शुरू किया। एग्जाम्पल उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे सपोज कीजिए आपने 1000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट करी
और जनवरी के महीने में 1,000 रुपया, 10 रुपये की NAV है, कोई नया फंड शुरू हुआ है, आपने पैसा लगाया, तो आपको उसमें 100 यूनिट्स मिलेंगे। उसके बाद फरवरी में 9 रुपये रह गई, मान लो मार्केट गिर गई, 9 रुपये रह गई, तो उसके हिसाब से आपको 1,000 रुपये डिवाइडेड बाई 9, 111.11 यूनिट मिलेंगे। फिर ऐसे ही मार्च में 10.5 रुपये आ गई, फ्लक्चुएट होता है, अप्रैल में 11 आ गई, मई में, उसी हिसाब से आप देखेंगे उसी रेशो के अंदर यूनिट्स उसको कम या ज़्यादा अलॉट होते जा रहे हैं। अब आपको जुलाई में 8 रुपये ही रह गई, तो आपको 125 यूनिट मिल गए। मतलब जैसे जैसे उसकी यूनिट की NAV कम जा रही है, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, और आपकी वैल्यू ज़्यादा जा रही है तो आपको कम यूनिट्स मिल रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का बेनिफिट इसके अंदर सबसे बढ़िया मिलता है। और दिसंबर करते करते हमने 12,000 रुपये लगा दिए, जो हमने जनवरी से स्टार्ट किया था, और उस समय उसकी वैल्यू 8 रुपये से बढ़ के 9, 10, 11, 11.5, 13 रुपये आ गई। तो 13 रुपये के अंदर हमें 76 रुपीज़ 92 यूनिट्स मिलेंगे। मतलब टोटल अगर हम करेंगे 12 महीने के अंदर, तो टोटल हमें 1,219.44 यूनिट्स मिले, और क्लोजिंग उसकी जो NAV है वो दिसंबर में 13 रुपये रही, तो 13 रुपये से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,219.44 × 13, इसका मतलब जो 12,000 रुपये हमने लगाए वो घटते बढ़ते साल के एंड में 15,852 रुपीज़ 72 पैसा हो गया। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अपना पैसा हर महीने की 15 तारीख को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का बेनिफिट कितना अच्छा मिलता है, कि मार्केट जो भी फ्लक्चुएट हो रही है, पहली बात आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फंड मैनेजर आपके पैसे रेगुलरली मैनेज कर रहा है, तो आपको हर चीज़ हर रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप मेंटली फ्री हैं, आप एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अपने अकाउंट से आपके जा रही है, और वो आपकी रूटीनली उसके अंदर जमा हो रही है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको इतना मिल गया। वी कैन यूज दीज म्यूचुअल फंड्स इवन फॉर टैक्स सेविंग पर, जो सेक्शन 80C होता है उसके अंदर आप लोग 1,50,000 रुपीज तक सेव कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको स्प्लिट अप करके भी, जैसे 1,50,000 के 12,500 रुपये महीने के हिसाब से आप 12 महीने सेव कर दीजिए। एंड इवन इन ELSS ये म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं। इसको मैं टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस क्या है और इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे FD के अंदर, बैंक के अंदर एक 5 साल की FD होती है जिसपे 6 से 7% का रिटर्न मिल रहा है आजकल। हालांकि RBI ने अपने पॉलिसीज़ के अंदर, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर रेट ऑफ रिटर्न्स बहुत कम कर दिए हैं, बट स्टिल आप 6-7% का मान के चल सकते हैं। इवन इन PPF जिसके अंदर 15 साल का लॉक इन पीरियड है, उसमें वी आर गेटिंग रिटर्न ऑफ 7.1%। और इसके अलावा NSE है जिसे 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 6.8 का है। इसके अलावा जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान होते हैं नॉर्मल, जिसमें 5 से 6% का रिटर्न मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 20 years। और उसके बाद लास्ट में एक आता है ELSS, जो कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जो म्यूचुअल फंड का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर आप सेक्शन 80C में अपना पैसा सेव कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे हमने 1,50,000 रुपीज़ सेव करना है, उसको वी कैन स्प्लिट अप इनटू द 12 इंस्टॉलमेंट्स पूरे एक साल के ऊपर, 12,500 हर महीने करके हम 1,50,000 रुपये सेव कर लेते हैं। और उसके अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो भी सिर्फ 3 साल का ही है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम जब आप उस पैसे को अपना इन्वेस्टेड रखते हैं, तो आपको 12 से लेकर 15-20% तक का भी इंटरेस्ट इसके ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम मिल जाता है, जो हमें यह दर्शाता है कि इन सारे पांचों ऑप्शंस के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम ELSS इज बेटर। और इसके अंदर लॉक इन पीरियड भी केवल 3 साल का है, इन केस इमरजेंसी में आपको 3 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ती है, तो यू कैन यूज दैट फंड्स फॉर योर यूज। अभी हमने टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में डिटेल में समझा, इसको हम ELSS फंड भी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स मार्केट में मौजूद है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड और सेक्टर फंड्स भी होते हैं। आशा है आपने मेरी बातों को समझा होगा, और अब आप बिना सोचे समझे ऐसे पैसा नहीं लगाएंगे। मेरी कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आकर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।